ये फोन आईफोन है जिसके सिक्योरिटी पे सवाल नहीं खड़ा होता है, वो फोन को ये जादूगर भाई साहब ने हैक कर लिया। हमारे साथ एक ऐसे जादूगर हैं जो आईफोन को हैक कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आईफोन में इतना सिक्योरिटी लगाया गया है, इस एप्पल के फोन में इतना सिक्योरिटी लगाया गया है कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी इंजीनियर इसको हैक नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे साथ जो जादूगर हैं, जादूगर आर एंजल जी, जो इस आईफोन को हैक कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं, इनका बहुत सारा जादू देखा हमने, लेकिन एक जादू जब देखा हमने आईफोन का तो सोचा कि मैं भी इसको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जादू है बहुत कमाल का जादू है। हम चाहेंगे कि ये जादू आप लोग देखें, लेकिन ऐसे करें नहीं, क्योंकि सबके बस की नहीं ये सब करना। सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितने भी हमारे दर्शक। क्या नाम है सर आपका? मेरा जादूगर आर एंजल नाम है। सर आपका मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें आप आईफोन को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, मतलब हैक कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो चलिए, मेरे पास एक आईफोन है, देखिए ये आईफोन है और इसको अब ये हैक करेंगे। ये किसी के भी फोन से हो सकता है, यदि दर्शकों को यकीन ना हो तो दर्शक अपना भी ला सकते हैं फोन, कोई भी अपना ला सकता है। कोई फोन वो, ये आपका, चलिए आपका फोन है, आप पकड़िएगा, ऐसे ही पकड़िएगा, डिस्प्ले कीजिए सामने, देखिए सामने प्रॉपर काम कर रहा है ये। हाँ, मैं चला के दिखा रहा हूँ, थोड़ा नजदीक लाएंगे। ओके, देखिए ये चल रहा है। मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दिया है। हाँ। और मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है। अच्छा, अब मैं मैजिक करूँगा इस पर। 1 2 3 देखिए देखिए, मोबाइल आवाज करने लगा, अब ये मोबाइल हैक हो गया। यस, अभी ये देखिएगा, पूरा हैक कर गया, पूरा हैक कर गया। अभी देखिए ब्लिंक करने लगा, अभी खुद से खुद अपने आप ये चलने लगा, अभी ये जादूगर के इशारे पे अब ये फोन चलेगा। और ये कैमरा ओपन हो गया, कैमरा ओपन हो गया, बिल्कुल। मैं आपकी एक तस्वीर भी ले सकता हूँ। अच्छा, ये और ये बिल्कुल हैंग कर गया, बिल्कुल हैक कर गया। अब देखिए, अब देखिए, देखिए ये बिल्कुल हैक कर गया है। अब ये फोन आईफोन है जिसके सिक्योरिटी पे सवाल नहीं खड़ा होता है, वो फोन को ये जादूगर भाई साहब ने हैक कर लिया है। और देख सकते हैं ये, अब ये कैसे ठीक होगा, ये इसको वापस आप सामने दिखाइए, सामने दिखाइए, देखिए गजब, मतलब हाथ का इशारा किए फोन काम करना बंद कर दिया, मतलब जैसे था वैसे हो गया, बिल्कुल ये नॉर्मल हो गया जैसे पहले था। अच्छा, ये कौन सा जादू है? जब मैजिशियन टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे ही खेलता है ना, तो ये सारी चीज़ें चमत्कार हो जाती हैं, हो जाती है। हाँ, मॉडर्न मैजिशियन तो बहुत सारी चीज़ों टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। चलिए, ये थे हमारे साथ जादूगर। मैं बता दूं आपको कि एक ऐसा जादूगर जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भी टक्कर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, वो पर्चा निकालते हैं, हम भी पर्चा निकालते हैं। और सही बात है, इन्होंने करके दिखाया है। आज आप अगला जादू दिखाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग जादू दिखाएंगे, क्योंकि लोग जादू देखने के लिए बड़ा परेशान रहते हैं। पास मेरी बाइक की चाबी है, कोई नोट होगा आपके पास? आप ही का नोट यूज़ करते हैं? नोट आपको भी एक नोट होगा? मैं अपना नोट लूंगा तो वो लगेगा कि कुछ ट्रिकी है। देखिए भाई, अपना नोट निकाल रहे हैं हम अपना। अभी जादूगर साहब क्या करने वाले हैं? कोई है? हाँ, दिखाइए। हाँ, ये 200 का नोट है। 200 का नोट है? हाँ, 200 का नोट है। ये चाबी दिखाइए हमारे। देखिए ये चाबी है, ये 200 का नोट है। 200 का नोट है, ठीक है, इसको सीधा करूँ। बहुत ही आसान है, एक चाबी को मैंने लिया, 1 2 3 ये करना है। अरे देख रहे, गजब हो गया महाराज तीन। ये देखिए, ये चाबी का आर पार, नोट के आर पार हो गया ये, ठीक है। अब समझ लीजिए, मेरा नोट फट गया, फट गया, मेरा नोट फट गया है। अच्छा, अभी देखिएगा, 1 2 पकड़िए, और ये देखिए तो यहाँ पे कहीं छेद है, दिखाइए। देखिए, इस नोट में छेद भी नहीं हुआ, और ये चाबी भी बिल्कुल जो चाबी होता है सेम चाबी है ये, आराम से इसको कहीं पे भी कोई होल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कोई होल नहीं है, कहीं नहीं कुछ है इसमें, और ये चाबी भी जो है इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन ये ट्रिक है और कला है, बिल्कुल कला, ये कला है, कला है। जब आप सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। ये जादू नहीं है। देखिए नाम अलग अलग है, हिंदी में जादू बोलिए, अंग्रेजी में ट्रिक बोलिए, हाथ अच्छा। की सफाई बोलिए, अच्छा। आंखों का धोखा बोलिए, नजरबंद बोलिए, अच्छा। नाम 10 है, काम 1 ही है। चलिए अगला जादू दिखाइए आप। बहुत ही सिंपल है, मेरे पास अलग अलग ताश के पत्ते हैं, ठीक है, दिखा रहा हूँ। सफल करने का भी कला है। हाँ, सारा चीज़ मैं आपको, ये सफल के नाम पे बोले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको फेरो सफल बोलते हैं। आपको सीखना होगा तो यूट्यूब पे चले जाएंगे। अच्छा, ये देखिएगा, उसके बाद देखिए गजब का सफल कर रहा था उसको। या
तो ये सब है, कलाकारी है। सालों लग जाते हैं प्रैक्टिस करने में, सालों लग जाते हैं बहुत। मैं 15 सालों से कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, आपको स्टॉप बोलना है, जहाँ स्टॉप बोलेंगे आप देखेंगे, कैमरा मैन देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। अच्छा। मैं, मेरा चेहरा साइड है, रोक दीजिए। ओके, कैमरा में देख लीजिए, कैमरा में। सो आप लोगों को पता है, बेसिकली हमें नहीं पता है, नहीं, ठीक है। अपना हाथ दीजिए, कार्ड को हमने सेलेक्ट किया है। इसको आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इनका कार्ड बता पाऊँ, ठीक है। देखिए, आपका कार्ड मुझे दिखलाई पड़ा, लाल रंग का ही कार्ड है। वेट, लाल रंग का है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दिल बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं, हर्ट। हाँ, हर्ट, हर्ट बोलते हैं। मैं पढ़ रहे हैं, सेवन ऑफ हार्ट्स, सेवन ऑफ हार्ट्स। हमने इसमें सेवन ही सिलेक्ट किया था, और ये जादूगर साहब बता रहे हैं कि ये सेवन कार्ड आपने सेलेक्ट किया है। देखिए, ये भी एक कला है, गजब, ये भी एक कला है, इसको भी कला कहते हैं, है ना। चलिए, मैं आपको और भी चीजें, जैसा आपने बोला, या बहुत सारी चीजें हैं, आपको 10 मिनट में नहीं डिस्प्ले किया जा सकता। अच्छा। इस आर्ट को सीखने में समय लगता है। सीखना नहीं ना, हमको तो देखना है। हाँ, सेवन ऑफ किधर गया आपका कार्ड? नहीं है, कहा इसमें, शायद सेवन ऑफ हार्ट्स ही है। हाँ, है सेवन ऑफ हार्ट्स। देखिए, हमने इस कार्ड को सिलेक्ट किया था, और जादूगर साहब हम इस कार्ड को बोल दिए बिना देखे हुए, माइंड रीड करके, कि आपने आपके कार्ड को हमने बीच में रख दिया है, ठीक है। आपका कार्ड कहीं ऊपर नहीं है, नहीं है, कहीं बीच में है। मैं ऐसा चुटकी बजाऊंगा और आपका कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आपका कार्ड आ गया, नहीं ये नहीं है, आपका सेवन था, ये सेवन है, सेवन सेवन था, ये बादशाह है, बादशाह है, लेकिन लाल लाल कलर मैच है, देखिएगा। ये आपका सेवन है। हाँ। और इस सेवन को मैं क्या करूँगा, इस सेवन को मैं थोड़ा बीच में रख देता हूँ, और बीच में जैसे ही मैंने रखा और चुटकी बजाया, आप देखिएगा आपका कार्ड ऊपर आ गया। अरे भाई, बीच में रखे, बीच में से ही ऊपर कैसे आ गया? ये आर्ट है, कला है सर, गजब का जादू है भाई। इस कार्ड को इन्होंने बीच में रखा और ये फिर ऊपर से निकल गया। अच्छा, सेवन को छोड़िए, अब एक कोई कार्ड ले लीजिए, कोई भी कार्ड ले लीजिए, कैमरे में दिखा लीजिए, मैं नहीं देखूंगा। देखिए, ठीक है, ओके, हाँ, देख लेते हैं अब हम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको वापस से मैं बीच में रखूँगा, ठीक है। और अपना हाथ दीजिएगा, ठीक है। आपका चूंकि हाथ बिजी है, तो मैं अपने हाथों से मैं कवर कर लिया मैंने, और एक सेकंड में आपका कार्ड निकलेगा। 1 2 3, ये कार्ड है? नहीं है, नहीं है। ओके, एक और मौका दिया जाए, ये कार्ड है? नहीं है। एक एक करके निकालेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपका कार्ड छोड़ देते हैं, बाकी सब गायब कर दें। सर, हाँ, महसूस कर पा रहे हैं सारे? हाँ, कार्ड। हाँ, 1 2 3, ये आपका कार्ड है, गजब, दिखाइए। देखिए, ये कला है, और देख के आप ये हैरान हो जाएंगे। ये बेगम है, जिसको बेगम बोला जाता है, इसको हमने निकाला था, और ये एक बार में इसको हमको ये निकाल दिए, और ये ताश था, पूरा ताश ये शीशा बन गया। ये कैसे हो गया? मैजिक है, जब सीखेंगे तो बताऊंगा, ऐसे नहीं।